नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और टाइटल पे जैसा दोस्तों आपने देखा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। लेकिन अब आपको बता ही देना चाहिए। ठीक है, अब आप भी फैमिली हो तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। तो अब हमारे बीच में रेम्बो नहीं रहा, और रेम्बो एक छोटा सा पप्पी था मेरा। मैंने कम से कम उसका 20 दिन तक लगभग इलाज करवाया, उसको ब्लड चढ़वाया और शहर के 2 से 3 डॉक्टरों को बदला। फिर जहाँ से मुझे फ़ायदा मिला, डॉक्टर हेमंत मेहता इंदौर के अच्छे डॉक्टर है, वेटनरी कॉलेज महू में भी प्रोफेसर हैं, तो उनके पास में ले गया। और उसने भी संघर्ष किया, रेम्बो ने भी, क्योंकि जो दूसरे डॉक्टर थे वो मुझे कह चुके थे कि 2 या 3 अगस्त के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि इसकी डेथ हो जाएगी और ये बचेगा नहीं। लेकिन मैंने अपने पूरे प्रयास किए और ये स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ मैं आपके उसके मेडिकल के पेपर भी डाल देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। मैंने लगभग उसको अलग अलग दवाएं जो डॉक्टर ने बोला कम से कम 8 से 10 विजिट करवाई, 2 बार उसको ब्लड चढ़ा। एक चेरी करके डॉग थी, लेब्राडोर, वो भी आई और उसने ब्लड दिया, ब्लड डोनेट करवाया, उसको ब्लड चढ़ाया, 2 बार ब्लड चढ़ा, शनिवार और सोमवार को। लेकिन दोस्तों अंततः उसकी डेथ हो गई। और जो डॉक्टर ने उसकी रिकवर नहीं होने का कारण बताया कि उसके जो प्लेटलेट्स थे वो कम हो गए थे, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था और वो पूरा वाइट वाइट हो गया था। तो डॉक्टर का कहना था कि इसके शरीर में जो खुद ब्लड बनना था वो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो किन कारणों से हुआ, क्योंकि अमूमन हम इंसानों में डेंगू के दौरान ये सब चीज़ें होती है, और शायद या तो टिक फीवर उसको हुआ हो, क्योंकि मैंने जब उसकी ब्लड की जाँचें करवाई तो 2 अगस्त को मैंने उसकी जांच करवाई थी, जिसमें उसको हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया था। तो हो सकता है कि वही कारण रहा हो। और फिर मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि उसका फिर हमने अंतिम संस्कार भी किया, और पूरे विधि विधान से जिस तरह से एक घर के छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी तरह से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। मैं अगले दिन देखने भी गया वहाँ पे जहाँ पे मैंने उसका अंतिम संस्कार किया था। तो छोटा सा बच्चा था, और हालांकि उसने भी बहुत संघर्ष किया, अंत तक वो लड़ता रहा। मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले सिर्फ उसने खाना बंद किया था, नहीं तो वो खा भी रहा था, एक्टिव भी था। और मैं कुछ शॉर्ट्स डालता हूँ अपनी बेटी के साथ, वो खेल रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो एक्टिव भी था। मेरी छोटी बेटी बारबी के साथ खेलता था, काफ़ी खुश रहता था। और वो जब से घर में आया था तब से ही बीमार था। मतलब मुझे ये 3-4 दिन बाद पता लगा, क्योंकि वह ज़्यादा सुस्त था तो कुछ मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने इतना लोड नहीं लिया। लेकिन जब मुझे लगा कि यार इसको एक बार रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तब डॉक्टर ने देखा कि यार इसको तो ब्लड की कमी है। ब्लड उसका चेक करा तो उसका ब्लड काफ़ी कम था। और खाना पीना उसने सिर्फ एक दिन पहले छोड़ा, नहीं तो वो खा पी रहा था, पोटी वगैरह भी कर रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसकी पोटी के फ़ोटो वगैरह खींचिएगा, वो दिखाए, मैंने डॉक्टर को भेजे, और अंततः दोस्तों रेम्बो हमारे बीच नहीं रहा। तो काफ़ी तकलीफ भी हुई एक अंदर से, क्योंकि वो भले 20 से 25 दिन हमारे साथ रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल घर के एक बच्चे जैसा था। और उसको बिल्कुल दवाई नहीं लेता था, तो उसको इंजेक्शन से दवाई देना और सीरीज से पिलाना, ड्रॉप देना, जैसे अपन अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे जब दवाई लेने में नाटक करते हैं, क्योंकि वो 1.5 से 2 महीने का था। तो काफ़ी संघर्ष किया दोस्तों उसने भी, और मैंने भी पूरा प्रयास किया उसको बचाने का, हर संभव प्रयास किया। मैंने इंदौर में हॉस्पिटल्स भी ढूंढे कि जहाँ पे उसको एडमिट किया जा सके, लेकिन इंदौर में इस तरह का कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक दो डॉक्टर है जो इस तरह के चलाते हैं, लेकिन वहाँ मुझे जो मेरे जो पशु प्रेमी दोस्त हैं जो इस तरह के काम करते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग वगैरह का इलाज कराते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि बोले जैसा इलाज तुम करवा पाओगे वैसा वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम डॉक्टर के पास उसको लेके जाता था, और अंततः दोस्तों वो हमारे बीच में नहीं रहा। काफ़ी दुख है मुझे इस बात का अब, लेकिन जो होना है उसको हम टाल नहीं सकते हैं। प्रयास ज़रूर किए मैंने, उनमें प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी दवाएं मैंने उसको दी। डॉक्टर हेमंत मेहता, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इंदौर के डॉक्टर का, तो इंदौर के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक हैं। तो उन्होंने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा अपन ने किया, लेकिन अंततः वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो प्रभु से तो यही कामना करूँगा कि वो जहाँ भी मरने के बाद उसकी आत्मा जाती हो, जैसे हम इंसानों की जाती हो, तो उसको तकलीफ़ ना हुई हो। और क्षमा भी मांगता हूँ कि वो मेरे घर पे डेथ हुई उस बच्चे की। हालांकि अब इसका तो कोई होनी जो है उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि जो मेरे पशु प्रेमी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर गया।
क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जाते रहते तो एक दो दोस्तों को लेकर गया, एक मंदीप दीदी हमारी है जो पशु प्रेमी है, तो मैं उनको भी लेकर गया, वो भी मेरे साथ में गई, कौशल भी आए उनको भी लिया, प्रियांशु दीदी है जो पीपल्स फॉर एनिमल संस्था से जुड़ी है उनसे भी काफ़ी सलाह ली मैंने, उनको प्रिस्क्रिप्शन भेजे, तो सभी ने मुझे डॉक्टर हेमंत मेहता के वहाँ जाने की सलाह दी थी और उनके उन्हीं का इलाज चल रहा था। अंततः डॉक्टर भी, हालांकि अंत समय में मुझे एक या दो दिन पहले बोल दिए थे कि यार इसका बचना मुश्किल है। तो दोस्तों यही कहानी है पूरी, और अब रेमबो हमारे बीच में नहीं है तो बस अब मैं क्या कहूँगा, बस यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। अब आज तो इसके अलावा मेरे पास आपको कुछ बताने का था नहीं, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपको बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन फिर आज बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में, आपका दिन शुभ हो।